सो हेलो वेलकम फ्रेंड्स अगेन ऑन माय चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि आपका सिस्टम बहुत स्लो चल रहा है, तो अगर आपके में HDD लगा हुआ है, यानी हार्ड ड्राइव डिस्क ड्राइव लगा हुआ है, जो पुराना होता है, जो सिस्टम के साथ मतलब लग के आता है, ठीक है, मतलब न्यू सिस्टम्स की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके में अभी भी हार्ड डिस्क है और आपका सिस्टम बहुत ही स्लो है, तो मेरी बात मानिएगा कि आप SSD बदल लीजिएगा, ठीक है। अगर बहुत पुराना हो चुका है लैपटॉप, आप सोच रहे हैं कि पूरा लैपटॉप ही बदल डालें या नया लैपटॉप ले लें, और आपका बजट नहीं मतलब गवारा कर रहा है, अगर बजट है तो बात ही अलग है, तब तो आप ले ही सकते हैं। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा था, अगर आपका बजट नहीं तो आप ये SSD भी प्रीफर कर सकते हैं, WD का, ठीक है, वेस्टर्न डिजिटल नाम है इसका, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसका मेरे पास हार्ड ड्राइव भी है अलग से, मतलब वो है क्या बोलते हैं, हाँ, हार्ड ड्राइव अलग से भी मैंने रखा हुआ है, ठीक है। खैर वो छोड़िए, अभी मैं बात करता हूँ SSD। तो ये मैंने लगवा लिया अपने लैपटॉप में अपने हार्ड डिस्क को निकलवा के, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बहुत सुना था कि आप फ्लॉपी डिस्क की जगह भी हार्ड डिस्क को मतलब शिफ्ट करके और हार्ड डिस्क की जगह पर SSD लगवा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, 240 GB का मैंने लिया, क्योंकि मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा स्टोरेज है, ठीक है। तो मुझे बस अपने सिस्टम को मतलब फास्ट करना था काफ़ी, ठीक है। तो पहली चीज़ तो जब आप मतलब बदलवाने जाएंगे, तो होता क्या कि जब आप फ्लॉपी डिस्क को निकलवा के बदलवाएंगे, तो वो बोलेगा कि मतलब शायद 400 रुपये कुछ और मांगेगा। तो मैं भी गया था, तो वो ऐसे ही बोल रहा था कि 400 रुपये मुझे और देने पड़ेंगे, पता नहीं क्या वो लोग लगाते हैं फ्लॉपी डिस्क निकाल के, ठीक है। तो वो सब करवाने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैं बताता हूँ। तो मैंने ये जैसे लिया जो SSD, ठीक है, SSD उसने लगा दिया, और मेरी जो हार्ड डिस्क थी उसने निकाल दी बाहर, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, जैसे ये हार्ड डिस्क है, ठीक है, ये हार्ड डिस्क इस तरह की होती है, आप जानते ही होंगे, जो भी मतलब आप जब निकलवाएंगे अपनी हार्ड डिस्क सिस्टम से, तो इसी तरह की हार्ड डिस्क होती है, ठीक है। तो ये हार्ड डिस्क है, ठीक है, तो ये उसने मुझे निकाल के दे दिया। तो इससे क्या होगा कि जो आपका डाटा होगा ना, वो भी लूज़ नहीं होगा, ठीक है, आपका डाटा आपके पास रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये डाटा, अब आप सोचेंगे कि इसको हम, लेकिन डाटा को मतलब अगर हम निकालना चाहें डाटा, तो कैसे निकालेंगे, अपने सिस्टम में आप कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, तो उसका भी तरीका बताता हूँ। उसके लिए आप उससे, बजाय उसके कि आप फ्लॉपी डिस्क निकलवाएं और 400 रुपये और दें अपने हार्ड डिस्क को वहाँ शिफ्ट करवाने को, मुझे लगता है कि उसका कोई मतलब नहीं है। उसकी जगह आप ये ले लीजिएगा, देख लीजिए, USB 3 to SATA केबल करके आता है, इससे आप डायरेक्टली मतलब इसको कनेक्ट करके, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मुझे पड़ा 150 रुपये का, ठीक है। 150 से ज़्यादा आप इसको मत दीजिएगा इसके लिए, इस केबल के लिए, ठीक है, 150 से ज़्यादा मत दीजिएगा, ठीक है। तो ये मिलते हैं बाज़ारों में, वही कंप्यूटर की शॉप्स पे ही आपको मिल जाएंगे। तो ये जो है, ये आप ले लीजिएगा। तो इससे क्या होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको आप डायरेक्टली इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये कनेक्ट हो गया इजीली। इसको अपने सिस्टम में लगा के जो भी डाटा आपको देखना है या ट्रांसफ़र करना है, जो भी यूज़ के लिए, तो आप कर सकते हैं इजीली। इससे क्या कि आपका डाटा भी नहीं लूज़ होगा और आपके सारे डाटा बने रहेंगे। मतलब ऐसा मत करिएगा कि जैसे शॉप वाले बोलते हैं कि हम इसको फॉर्मेट कर देते हैं, ये कर देते हैं, आप फॉर्मेट करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने हार्ड डिस्क को निकलवा के और SSD लगवा लीजिएगा, और ये केबल ख़रीद लीजिएगा 150 का, ठीक है। और दूसरी चीज़ अब मैं बताता हूँ कि SSD के बारे में, ये तो हो गया, ये आप समझ गए, ठीक है। ये केबल आपको लेना है, ले लीजिएगा जब भी आपको मतलब अपने हार्ड डिस्क से डाटा देखना हो या ट्रांसफ़र करना हो अपने सिस्टम में, ठीक है। अब आ जाते हैं SSD की बात करते हैं। तो ये SSD है, ठीक है, WD का, 240 GB का मैंने लिया, और भी स्टोरेज आती है, आपको पता ही होगा, हायर गिग्स की, जैसे 512 GB, ये सब फलाना ढमाका, लेकिन मैंने 240 का लिया, क्योंकि मुझे स्टोरेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, मुझे बस सिस्टम को फास्ट करना। तो पहली चीज़ कि इस पर आप पढ़ सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है, बिल्ट फॉर लाइट एंड कैजुअल यूज़, ठीक है, सॉल्यूशन कॉन्करर और सारी चीज़। और हाँ, एक चीज़ और कि इस पर 3 साल की वारंटी है, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि 3 साल की इस पर वारंटी है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके प्राइस पे, ठीक है। तो जैसे इसका जो प्राइस था, इसके प्राइस लिखे हुए, इसको आप जब लेंगे तो लिखा हुआ है प्राइस 4300, ठीक है, तो उस पर मत जाइएगा, ठीक है, 4300 लिखे हुए पे मत जाइएगा। हो सकता है कि शॉप वाला आपको कुछ ज़्यादा बताए या इससे कम में मतलब बताए, मतलब क्योंकि देखिए 4300 के अंदर ही बताएगा जब भी बताएगा। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि मैंने लिया है तो मैंने कम करवाया, तो मुझे पड़ा है 2900 का, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, उससे ज़्यादा आप मत दीजिएगा 2900 का, मतलब कोशिश करिएगा 2900 में मिल जाए। हो सकता है हर जगह का अलग अलग रेट हो, लेकिन मुझे 2900 में पड़ा, ठीक है, ये SSD, और इसके साथ 3 साल की इसकी वारंटी है, ठीक है। तो मैंने सिस्टम में लगवाया। अब बताता हूँ कि सिस्टम पे क्या असर पड़ा इसको लगवाने, के बाद मेरा सिस्टम बहुत ही फास्ट हो गया, मतलब सारी चीज़ें वर्क करने लगी पहले के जैसी, और काफ़ी फास्ट हो गया, ठीक है। तो बस हार्ड डिस्क आपको बदलने की ज़रूरत है आपके सिस्टम में, बाकी सब सही। अगर आपका सिस्टम स्लो हो रहा है, तो मतलब अगर कोई और चीज़ ख़राब नहीं हो रही है, तो फिर हार्ड डिस्क ही रीज़न है, उसको आप बदलवा लीजिएगा और ये लगवा लीजिएगा, और 150 का केबल ले लीजिएगा अपने हार्ड डिस्क के डाटा को यूज़ करने के लिए। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइनिंग ऑफ, पीस।